हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 कक्षा 10 की गणित का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 इससे पहले मैं करवा चुका हूँ, आज क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पांच क्या है। क्वेश्चन नंबर पांच है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1.-5 और बी -4.-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स अक्ष से विभाजित होता है, सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींच ली, एक हमने रेखा खींच ली, एक तरफ ए डाल दिया, एक तरफ बी डाल दिया। वही करना है जो सेम प्रोसेस आगे के सवालों में करते रहे हैं। इसमें क्या करना है, 1.-5 एक तरफ बिंदु दिए गए हैं, बिंदुओं 1.-5 एक तरफ दिया गया है, 4-4.-5 दो हमने बिंदु डाल लिए। जो बताया हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें M1 M2 में ज्ञात करना है। को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है, मान लिया x अक्ष पर ये काटता है, यहाँ पे बिंदु मान लिया P, x अक्ष से विभाजित होता है। तो अनुपात ज्ञात करना है, M1 ज्ञात करना है, M2 ज्ञात करना है, और साथ ही इन्होंने बताया कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ये जो P के निर्देशांक हैं यहाँ पे वो भी ज्ञात करने हैं। अब उनके P के निर्देशांक कैसे आएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है x अक्ष से विभाजित होता है। कैसे विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। हमने बताया था x अक्ष पे y का मान कितना होता है, 0, और y अक्ष पे x का मान कितना होता है, 0। x अक्ष पे y का मान 0, y अक्ष पे x का मान 0, तो x अक्ष पे है तो लिख देंगे x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, x का मान तो x कुछ इतना कुछ रहेगा, 1 2 3 4 5 x अक्ष पे कुछ भी हो सकता है, और y का मान कितना होगा, 0। तो y का मान कितना आ गया, 0। x अक्ष पर बिंदु कितने आ गए, x कामा 0, कितने आ गए, x कामा 0। तो हमें x का मान पता चल जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे उतने, और ये तो 0 तो है ही है। तो देखिए वही हिंदी लिखेंगे, यदि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करे तब विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र हमने क्या बताया था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, सूत्र हो गया विभाजन बिंदु का, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, ये तो m1 m2 है। देखिए x का मान हमें भी रखना नहीं, हमें y की जगह पे देखना है, y का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0 बराबर m1 का मान, m1 लिख दीजिए, पता करना है हमें y2, y2 का मान कितना है, 5, m2 इधर लिख दीजिए, y1, y1 का मान -5, और नीचे m1 प्लस m2 ऐसे लिख दीजिए, इसके नीचे एक एक में गुणा करिए, एक में गुणा करिए तो यही पूरी संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5m1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 5m2, एक में गुणा हुआ तो यही पूरी ऊपर वाली आ गई, और 0 में इधर गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, तो 5m1 5m2 ये उधर गया माइनस का था, काय का हो गया प्लस का। ठीक है, तो m1 इधर इधर लिख दीजिए, और m2 इसके बट्टे में आएगा तो m2, 5 ऊपर लिखा है ये वाला 5 इसके नीचे जाएगा, 5 से 5 कट गया 1 1, तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया, 1:1। देखिए इन्होंने बताया था वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात कितना आ गया, 1:1, अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया। इन्होंने बताया है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है, m1 m2 इसमें रख दीजिए, x का मान आ जाए वही इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख देंगे m1
अनुपात m2 का मान समीकरण एक में रखने पर, इसको हमने मान लिया समीकरण एक, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहीं पे रख देते हैं, देखिए चाहे तो यहां रखिए चाहे तो हम यहीं पे रख देते हैं। x बराबर m1 का मान कितना है एक, x2 का मान कितना देखिए, x2 का मान माइनस चार, तो माइनस चार हमने रख दिया, प्लस m2 का मान एक और x1 का मान कितना है एक, तो यहां पे रख दिया एक। नीचे m1 m2 एक प्लस एक, m1 m2 एक एक। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस चार एक चार प्लस एक इक्कन एक नीचे दो, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का तीन माइनस के चार प्लस का एक, तो माइनस के तीन बटे दो, तो x का मान कितना आ गया माइनस तीन बटे दो। देखिए m1 का मान एक था, m1 का मान एक रख दिया, x2 का मान माइनस चार था तो यहाँ पे माइनस चार रख दिया, प्लस m2 का मान एक था तो m2 का मान एक हो गया, x1 का मान एक था तो हमने एक रख दिया, नीचे m1 प्लस m2 एक एक, तो एक एक यहाँ पे हो गया, माइनस चार एकन चार एक कन एक माइनस के चार प्लस का एक तो माइनस के तीन और बटे नीचे कितना है दो, तो x का मान कितना आ गया माइनस तीन बटे दो। तो इन्होंने बताया उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, तो लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे नीचे अतः बिंदु के निर्देशांक बराबर कितना आ गया, x का मान कितना है माइनस तीन बटे दो कमा इसका मान कितना है y का मान जीरो है, और अनुपात पूछा गया था तो अनुपात कितना हो गया अनुपात एक अनुपात एक, ये दोनों चीजें पूछी गई थी, ये दोनों चीजें लग गई, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।